अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ाहिद फ्रॉम MedEgar.pe। हमने क्योंकि मैदान 2016-17 मॉडल की मॉडिफिकेशन किया है, इसको हमने फुल पावर किया है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये सर्वो ब्रेक गाड़ी, ये बहुत अच्छी है लिहाज से पेट्रोल एवरी के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से, पिक के लिहाज से, मगर इसमें फॉल्ट या कमियाँ दो ही हैं कि इसकी ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, पेडल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और इसका हमें ये सर्वो लगाया, देखिए आप ये जापानी सर्वो होता है हमारा, उसकी एक साल की फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहनी होती है, ऐसे ही काम करता है जैसे डिस्क ब्रेक होती है ABS ब्रेक। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ये साइड शीशे आ गए इसके, ये देखिए आप ये साइड मिरर आ गए, ये वाइड एंगल वाले होते हैं, ये हवा से बंद नहीं होते। ये सन वाइजर आ गए इसके, ये भी धूप में ख़राब नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको फोर डोर की पावर विंडो, ये जहाँ पे इसके हैंडल लगे हुए थे, ये मास्टर बॉक्स आ गया, ये बॉक्स हमारा अपना बना हुआ है, मगर इसके अंदर ये स्विच वायरिंग मशीन हर चीज़ जापानी होती है। ये आप देखें बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल की गारंटी होती है, जापानी मोटर है, स्विच वायरिंग मशीन हर चीज़ जापानी होती है। ये इसमें ये चाइल्ड लॉक आ गया, और ये देखिए आप लैपटॉप, और इनको आप अपने अपने बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल बटन से भी, ये सिंगल बटन आ गया। और ये पीछे वाला डोर देखें, और इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टेरिंग किया विद स्पीड सेंसर के साथ, और स्पीड सेंसर के लिए हम अपनी हर वीडियो में अवेयरनेस दे रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे स्टेरिंग हार्ड होता जाता है, जैसे जापानी गाड़ी में आता है। और जब आपकी गाड़ी 100-120 की स्पीड में जाती है तो आपको फील होता है कि आपकी गाड़ी रोड पर जम के चली जाए, ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी हवा में तैर रही है। स्पीड सेंसर के लिए बदलता है, जो पावर स्टेरिंग का काम करने वाले लोग हैं, स्पीड सेंसर लगाने की बात तो बहुत दूर है, वो कस्टमर